भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं? क्या आपका भी कोई भी काम सफल नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो? मेरे बहन भाइयों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम क्यों सफल नहीं होते, क्यों हम घाटा खाते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सफलता देता है। आज मैं आपको जो वचन बताऊंगी, अगर आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपका हर एक काम सफल होगा, चाहे वो बिजनेस हो या लाइफ का कोई भी और काम। मसीह जीवन एक धीरज का जीवन है। हम धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहें और जो कुछ हमें चाहिए वो हमें देगा। लेकिन हम लोग मुश्किल में पड़कर, किसी भी परेशानी में पड़कर, संसारिक बातों की ओर ध्यान लगाकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता। परमेश्वर से दूर होकर हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। पढ़ते हैं हमारे आज के वचन को, जो लिखा है तीसरा यूहन्ना 1:2 में। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इस वचन के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, हमें सिखा कि हम आत्मिक उन्नति कैसे करें, कैसे हम सब बातों में उन्नति करें और हम भले चंगे रहें। पढ़ते हैं हमारे अगले वचन को, जो लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:8 में। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। पढ़ते हैं हमारा आज का तीसरा वचन, जो लिखा है नीति वचन 16:3 में। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इस वचन के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं और अपने कामों को यहोवा पर डाल सकते हैं। जब हम अपने कामों को यहोवा पर डालेंगे, अपनी सारी चिंताएं हम परमेश्वर को देंगे, तो वो हमें सफलता देगा। इसी के साथ हम पढ़ते हैं अगला वचन, जो लिखा है नीति वचन 3:6 में। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप जो भी करना चाहते हैं, वहां पर खड़े रहकर उस बारे में प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम तेरे नाम में ये काम शुरू करने जा रहे हैं। अपने हर काम से पहले यहोवा परमेश्वर को याद रखो। जब हम परमेश्वर को याद करके हमारे किसी भी काम की शुरुआत करेंगे, तो सच में परमेश्वर हमें उस काम में सफलता देगा। हमारा अगला वचन हम पढ़ते हैं, जो लिखा है यहोशू 1:8 में। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सबसे बड़ी बात, जो भी पवित्र बाइबल में लिखा है, जो भी हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर कैसे चलना चाहिए, प्रार्थना कब, कैसे और कहां करनी चाहिए, और किस तरह से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी बातें अगर हम व्यवस्था की मानते हैं और उस पर चलते हैं,
तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इससे तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। यही बात हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसकी 9 आयत में। इसीलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। हमें जरूरत है परमेश्वर के हर एक वचन को अपने मन में रखने और उस पर चलने की। परमेश्वर ने हमें जो भी आज्ञाएं दी हैं, अगर हम उनकी पालना नहीं करते, उन आज्ञाओं पर अगर हम नहीं चलते, तो हम अपने जीवन में असफल ही रहेंगे। जब हम संसारिक चीजों की चिंता छोड़कर परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तब हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। उसके वचनों पर हम चलते हैं, तब ही हम अपने जीवन में सफल होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पूरा पढ़ना। इसमें हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है, जिन बातों की पालना करके हम अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर की ओर चलेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपने कामों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, संसार की बातों की चिंता को छोड़कर जब हम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे, तब हम अपने जीवन में हमेशा सफल होंगे और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगी। आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना कीजिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ जरूर आशीषित करेंगे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आमीन।